नींद या स्लीप को ज़्यादातर सिम्टम की तरह देखा जाए, यानी हमें कोई दूसरी बीमारी है तो एज अ सिम्टम नींद अफेक्ट हो जाती है। बट कई बार ऐसा भी है कि नींद की बीमारी है उसकी वजह से दूसरे सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे कि रिसर्च ऐसा कहती है कि अगर हमने अपनी नींद की बीमारी का सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया है तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। इंसोम्निया, हाँ, इंसोम्निया एक बहुत ही कॉमनली नोन शब्द है, यानी नींद की कमी होना या क्वालिटी ऑफ नींद जो है हमारी अफेक्ट हो जाती है तो हम कहते हैं कि इंसोम्निया। लेकिन इसी तरह से करीब और दूसरे पाँच छः तरह के और भी डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। जैसे नींद में चलना, सुना है हमने, नींद में चलना, नींद में दांत घिसना, ब्रुक्सिज्म कहते हैं जिसे। इसके अलावा अलग अलग पोस्चर्स में सोना, बहुत हाथ पैर मारते हैं कुछ लोग नींद में सोते वक्त, लिम्बिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, नींद में खर्राटे भरना जी, तो ये भी बीमारियाँ नहीं है, यू नो, ये भी एक तरह के डिसऑर्डर्स हैं। एक तरह से रिसर्च ऐसा कहती है कि 80 टाइप्स के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, 80 प्रकार के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, किसी न किसी कारण से या किसी न किसी वजह से ये हो सकते हैं, पर इंडिया में अभी भी इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एंड अगर आउट ऑफ इंडिया की रिसर्च की बात हम करें तो ऐसा देखने में आया है कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग सम ऑर द अदर काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। ऑस्ट्रेलिया, US, ये कंट्रीज जो कि बहुत प्रोग्रेसिव कंट्रीज में मानी जाती हैं, और आई थिंक अब इंडिया भी अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग में आ गया है और अब धीरे धीरे प्रोग्रेसिव में एंट्री हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि आगे जाके हमारा फ्यूचर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जी, बहुत ब्राइट होने वाला है। तो मैंने सोचा कि मैं काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ टॉपिक्स लेती रहती हूँ तो मुझे ये थोड़ा स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। मैं इंटरनेट पे ढूंढ रही थी, मुझे ज़्यादा कुछ सामान नहीं मिला, ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस और ज़्यादातर जो टॉक्स हैं वो बाहर के ऑथर्स या बाहर के लोगों की मिली, हिंदी या इंग्लिश में ऐसा जो हमें हमारी लैंग्वेज में समझ में आए जिसे हम लोग इंग्लिश कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स होकर इंग्लिश जो हमारी है उसमें नहीं मिला मुझे, लोकल लैंग्वेज में बहुत कम सामान मिला। रिसर्च मटेरियल भी लास्ट जो सबसे अच्छी रिसर्च की गई है डेवलपिंग कंट्रीज, घाना, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, तंजानिया, कीनिया, ये रिसर्च के लिए कुछ 6 कंट्रीज़ का ग्रुप बनाया गया था और इसमें जो रिसर्च की गई थी August 2012 में, जो लेटेस्ट डेटा मुझे मिला रिसर्च का वो इसमें से मिला। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स शेयर करूँगी इस रिसर्च में से। अभी जो रिसर्च 2012 में की गई थी अगस्त में, उसमें ऐसा निकल के आया था कि 5% लोग इंडिया की आबादी में से स्लीप डिसऑर्डर्स का शिकार हैं करंटली, एंड ऑफ कोर्स ये नंबर्स तो अभी अगस्त के हैं उसके, और ये 50 इयर्स एंड अबव का रिकॉर्ड है, 50 इयर्स एंड अबव की एज वाले क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर्स से सफ़र कर रहे हैं। इंडियन वुमेन, भारतीय नारी, औरतें 6.5 इनका परसेंटेज आया है और मेन 4.3 इतने आदमी इंडिया में डिस्टर्ब स्लीप का शिकार है, यानी जो एक कंटिन्यूस पीसफुल स्लीप होती है वो उन्हें नहीं मिल रही। ये किसी ना किसी कारण से हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं, साइकैट्रिक इलनेसेस हैं, केमिकल इम्बैलेंस होते हैं दिमाग में, कई तरीकों से डिस्टर्बेंस एनवायरनमेंट, हमारी जॉब, कॉल सेंटर जॉब जिसे हम कहते हैं रात में जगना जो हमें दूसरी कंट्रीज के हिसाब से करनी होती है उसमें भी हमारी पूरी बॉडी क्लॉक जो है डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हम बहुत ट्रैवल कर रहे हैं अगर तो अक्सर दूसरी कंट्रीज जा रहे हैं दूसरे, तो जेट लैग यानी कि रिदम की वजह से हमारी जो बॉडी है उससे भी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होती है। तो ये कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये डेटा मैं खाली आपको एक प्रेवलेंस का डेटा दे रही हूँ जो कि लेटेस्ट जो मुझे मिला है वो एक बहुत बड़ी सैम्पल साइज का, मोर देन 25,000 के सैम्पल पर ये किया गया था रिसर्च इंडिया में, एंड 4% इंडियन मेन, इन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है कि उन्हें सीवियर या एक्सट्रीम नॉक्टर्नल स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, रात में सोने की कोई ना कोई परेशानी उन्हें 4% लोगों ने आदमियों में
परसेंट उसमें से एंग्जाइटी का शिकार है। ये पिछले साल का डेटा है, मेरी गारंटी है कि अगर इस तरह की रिसर्च अभी की जाए इंडिया में, काफी सारे फैक्टर्स को लेके ये डेटा कम से कम डबल या ट्रिपल हो गया होगा, क्योंकि रिसेशन, डिफ्लेशन, ये मार्केट, वो मार्केट, हमारी बहुत सारी कंडीशंस, सामाजिक एज वेल एज पॉलिटिकल एंड बहुत सारी आसपास की जो कंडीशंस हैं, क्राइसिस कंडीशंस हैं जो कि और बढ़ गई हैं, एक्सपैंड हो गई हैं। पिछले साल से अब तक में हमारे जितनी बार भी बजट आता है उतनी बार भी हमारे ऊपर बहुत असर हो जाता है। यस, हर साल काफ़ी असर हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी बदलती है तो हमारी नींद अफेक्ट हो जाती है कई तरीके से। सो वुमेन में ये डेटा सीवियर डिप्रेशन का, जिनकी नींद अफेक्टेड है 3.79% एंड 2.8% सीवियर एंग्जाइटी और डिप्रेशन। फिर रिसर्चर्स ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि आगे आने वाले समय में 2030 तक में 1.578 मिलियन लोग प्रोग्रेसिव कंट्रीज में इस बीमारी का शिकार होंगे। मैं अभी इंडिया को अंडर डेवलप या डेवलप तो नहीं कहती हूँ, पर हमें कहती हूँ प्रोग्रेसिव। अभी हम लोग अंडर डेवलप या डेवलपिंग में नहीं रह रहे हैं, तो बहुत ही थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस है, एंड वी आर वेरी स्ट्रांगली हेडिंग टुवर्ड्स इन द प्रोग्रेसिव कंट्रीज। हाँ, कई लोग मुझे ऐसा बोलते हैं आजकल, लुकिंग एट द कंडीशन ये हम लोग थोड़े दिन में प्रोग्रेसिव से एडवांस्ड होने वाले हैं। सो यस, सो लास्ट ईयर के डेटा को देखते हुए 16.6% पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज जो मैंने आपको नाम बताया, बांग्लादेश, तंजानिया, कीनिया, इंडिया, वियतनाम, इनकी स्लीप डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। ये हमारा लेटेस्ट रिसर्च डेटा है प्रेवलेंस का। मुझे इसके ऊपर बहुत कम सामान मिला है, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं कम से कम 15 दिन से ढूंढ रही हूँ एंड आई हैव नॉट गॉट मच डेटा। इंडिविजुअल रिसर्चर्स को भी मैंने मेल किया है, कॉल किया है, बट बहुत कम सामान मिला है। एंड इनफैक्ट अभी 15 मार्च को एक आर्टिकल आया था एक न्यूज़पेपर में कि स्लीप डिसऑर्डर्स को लेके इंडिया में बहुत कम रिसर्च और डेटा है, इसके ऊपर हमें और रिसर्च करनी चाहिए। हाँ, बुक्स हैं, मुझे भी किताबों के नाम पे मुझे 2-3 किताबें मिली हैं। हाँ, बहुत ही मतलब उतना ज़्यादा डेटा नहीं है। कुछ खास बीमारियाँ हैं जिनके ऊपर बहुत किताबें लिखी हैं, इंसोमिया जो कि इन्होंने बताया। अब हम जरा समझें कि स्लीप क्या है हमारे हिसाब से, व्हाट इज स्लीप, नींद क्या है। Giving rest to a tired body and mind. Interesting sentence. It's a curative process. Okay, it is seen as a curative process. हमारा belief है कि ये curative process है, जिसमें हम सो जाते हैं तो हमारी body को, जैसे इन्होंने बोला rest, तो rest में इन्होंने add किया body and mind. या ओम जी, नींद क्या है? ओम जी ने एक स्टेप अहेड वाली बताई कि अगर हमारा माइंड रिलैक्स्ड है तो हमारी बॉडी को प्रॉपर स्लीप मिलेगी, है ना। पर नींद क्या है बेसिकली, हम नींद को क्या समझते हैं, व्हाट इज अ बिलीव। हाय मधुमिता, कम इन प्लीज। रिजुवेनेटिंग द माइंड एंड बॉडी, रिजुवेनेटिंग द माइंड एंड बॉडी, हम ऐसा कह रहे हैं। ओके, पुटिंग टू रेस्ट। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, मसल माइंड एंड मसल, रिलैक्सिंग द माइंड एंड मसल, रिलैक्सिंग द माइंड एंड मसल को हम नींद कहते हैं। जय, क्या सोते नहीं हो? रिलैक्सेशन, आई वुडंट बी एबल टू डिफाइन रिलैक्सेशन। नहीं, वही मैं चाहती हूँ कि हम लेमन नींद के बारे में क्या बिलीफ रखते हैं, नींद क्या है हमारे हिसाब से। कई लोगों का ऐसा मानना है कि नींद हम कंप्लीट रेस्ट मिल जाता है, सो जाएंगे कंप्लीट रेस्ट मिल, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बहुत सोते हैं और फिर भी रेस्टफुल नहीं है, यानी वो फिर भी शांत नहीं है दिमाग से या किसी न किसी बहुत ही क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको डेटा शेयर किया आपके साथ, हाँ, एक फिजिकल एंड मेंटल रेस्टिंग स्टेट है नींद, आइडियली पार्शियल डिटैचमेंट, यानी जो नॉर्मल काम करते रहते हैं हम डे रूटीन में, बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं उनसे, हम अलग होकर उनसे थोड़ा डिटैच होकर जब हम सो जाते हैं तो हमारे हाथ पाँव को, लिम्स को, मसल्स को एक आराम मिलता है। यस,
ऐसे भी देखा जाता है नींद को. इन कॉन्ट्रास्ट ये सारी चीजें जो हम कहते हैं, जैसे कि हमारा सोना जो है वो एग्जैक्टली क्या है, लेकिन एग्जैक्टली अगर उसी समय आपके दिमाग के ऊपर एक टेस्ट किया जाए तो ह्यूमन ब्रेन की एक्टिविटी बंद नहीं होती, वो चालू रहती, वो इनएक्टिव नहीं होता है कभी. सो हमारा माइंड जो है उसकी एक्टिविटी कम नहीं होती है. और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा लो हो सकता है, हमारा जो इवन ब्लड प्रेशर है थोड़ा लो हो सकता है, ये सारी चीज़ें थोड़ी कम होगी. हम सो रहे हैं तो अभी आप पहले नहीं है, बट योर माइंड इज स्टिल एट वर्क. थ्रूआउट एन 8 आवर स्लीप साइकिल अ नॉर्मल एडल्ट ऑल्टरनेट्स. ये एक पूरा साइकिल है, 5 प्रकार की स्टेजेस है इसमें, मैं आगे शेयर करूँगी. हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते हैं, लेकिन इसी साइकिल में हमारी प्रॉब्लम है कि हम कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है ना, कहाँ पे हम कुछ हमारी सोच या कुछ हमारी कंडीशंस हैं जो हमें अफेक्ट कर देती है, एंड हम लोग उसमें प्रॉपर रेस्टफुल स्लीप नहीं ले पाते या जितनी मिलनी चाहिए उतनी हम नहीं ले पाते. सो ये बेसिकली ऑल्टरनेट साइकिल है 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का, जो कि हम 4-5 बार रात भर में कंप्लीट कर सकते हैं. 4-5 बार ये साइकिल रीसाइकिल होता रहता है. तो ये ऑल्टरनेट करना है नॉन REM और REM, जिसे कहते हैं REM है रैपिड आई मूवमेंट, तो नॉन REM और REM के बीच में ये साइकिल पूरा 5 बार ऑल्टरनेट हो जाए, 4 बार ऑल्टरनेट हो जाए, तो हमें रेस्टफुल स्लीप एक मिल सकती है. मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी. ये हमारी स्टेजेस है स्लीप की. पहली स्टेज जिसे हम कहते हैं स्टेज 1 REM स्टेज 1, ये कुछ 5% हमारा जो पूरा हम सोते हैं उसका 5%, यानी 90 मिनट का एक साइकिल होता है उसका 5% फर्स्ट स्टेज होता है, यानी हम तैयारी कर रहे हैं सोने. अब थोड़ी नींद आ रही है, थोड़ी सुस्ती हो रही है, शरीर थोड़ा शांत हो रहा है, ड्राउजीनेस, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, थोड़ा शोर वोर कम करो, म्यूजिक लगा लो, सो जाओ, यू नो. सेकेंड स्टेज है हमारी जो कि 50%, ये हमारी मेजर पोर्शन है 50%, यानी हम काफ़ी हद तक इस मेंटल सेट में है कि अब हमें सोना है प्रॉपरली. थर्ड एंड फोर्थ स्टेज जो कि हमारी 10-20% ही है, ये स्टेज जिसमें हम प्रॉपरली सो गए होते हैं. एंड लास्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं REM स्टेज, ये हमारी सपने वाली स्टेज है जिसमें हमें सपने आते हैं, और ये खाली 20%, खाली 20% है, 20-25% हम हमें तो चला है. सो दे आर अ डिफरेंट परसेप्शन. नाउ दिस इज अ ब्रेन एक्टिविटी जो कि हमारी स्लीप में होती है, राइट. अगर आप देखो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 एंड 4 जो स्टेज है हमारी वो डीप स्लीप में आ जाती है, और फोर्थ स्टेज यानी अगर हम अच्छे से फोर्थ स्टेज में रहे हैं बिना डिस्टर्बेंस बिना किसी प्रकार के खलल के, तो देन हमें अच्छी पीसफुल फीलिंग आ सकती है. फोर्थ स्टेज में हमारे शरीर में कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, तो इसीलिए ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है. या ऑफ कोर्स ड्रीम से रिलेटेड हमारी 5th स्टेज है, और वहाँ हमारी नींद 5th साइकिल पे खत्म होके 2nd साइकिल में स्टार्ट हो जाती है. स्टेज 1 फिर से शुरू हो गए, यानी आप शायद उठे, आपने टॉयलेट यूज किया, फिर से आप वापस आके सोए, या आप उठे फिर से आपने करवट बदली, यू कैन चेंज योर फिजिकल पोजिशन या कुछ, और आपकी दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है 1.5 घंटे की. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है हमारा. या देख लो 90 मिनट्स का पूरा 1 आवर 1.5 आवर्स. ना ये हेल्दी स्लीप चार्ट है, हमारे लिए क्या रिकमेंडेड है, हमें कितने घंटे की नींद होनी चाहिए. एक छोटे बच्चे को 1 से 12 महीने में 14 से 18 घंटे रिकमेंडेड है, क्योंकि वो जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस स्टेज पे होती है शरीर में. 1 से 3 साल 12 से 15 घंटे, 3 से 5 साल 11 से 13 घंटे, 5 से 12 साल 9 से 11 घंटे, एडोलेसेंस को 9-10 घंटे, एंड अडल्ट हो जाते हैं जब हम, तो इट इज ओके फॉर अस टू स्लीप 7-8 आवर्स. 7-8 आवर्स इज जस्ट हेल्दी फॉर अस टू स्लीप. पर्टिकुलर एज हो जाती है 50-60, तो थोड़ा और आधा एक घंटा और बढ़ा सकते हैं इसको, पर अगर इससे ज़्यादा होता है तो उसे हम एक्सेसिव नैपिंग कहते हैं.
एक्सेसिव नैपिंग, यानी अगर आपने ज़्यादा दिन में नैपिंग ले ली है, घंटे घंटे सो गए हैं, तो फिर तकलीफ हो जाती है, फिर आपको रात में नींद नहीं आएगी, इरिटेशन होगी, ऊंचन होगी, एंड यू विल हैव इट, यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी 8+ hours इज ओके, बिकॉज अगेन उनकी बॉडी भी जो है इस ऐसे प्रोसेस में जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लीप डिसऑर्डर्स को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये एक ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स है. स्लीप डिसऑर्डर सिर्फ इतना नहीं होगा कि मुझे नींद नहीं आती या मुझे नींद ज़्यादा आती, सिर्फ इतना एक डिसऑर्डर नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स. अलग अलग सिम्टोमैटिक आपकी कंप्लेन है, जैसे कि आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है या प्रॉपर घंटे जो आपको एक एज के हिसाब से मिलने चाहिए वो आप नहीं पूरे करते, क्वालिटी या समय जो है स्लीप का वो सारी दुनिया जब सोती है उस समय आप जगते हैं और जब आप जगते हैं तो सारी दुनिया को सब हमारी जो बॉडी क्लॉक है मैच नहीं करूँगा, आप कुछ और कर रहे हैं, दुनिया कुछ और कर रही है, ऑटोमेटिकली आपकी ऑक्यूपेशनल एंड सोशल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट. 8-9 बजे मम्मी पापा उठ जाते हैं और आपको 11 बजे तक ही सोना है, तो नेचुरली अगर आप एक एडोलेसेंट हैं या अडल्ट हो रहे हैं तो आपकी बहुत सी इंपॉर्टेंट क्रूशियल एक्टिविटीज मिस आउट हो जाएगी. या बिहेवियर्स, फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो कि स्लीप के साथ जुड़ी होती है हमारी, यानी कि अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है तो शायद आप चिड़चिड़े आ रहे हैं, लोगों से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, बार बार पे आपको गुस्सा आ रहा है, डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम होती है, जो हमारे शरीर को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला होता है, कोई चीज़ हमें जज करनी है, हमें नॉलेज है फिर भी हम उसे जज नहीं कर पा रहे, हमें अपना डेटा याद नहीं आ रहा है, भूलने की बीमारी, मेमोरी इश्यूज, काफ़ी हद तक जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं या स्ट्रेस्ड रहते हैं वो फेस करते हैं. जैसे मैंने पहले बताया 80 टाइप्स के स्लीप डिसऑर्डर्स डिफाइन किए गए हैं. ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है स्लीप की, एक जो ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स है, ये परसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि कुछ समय तक चल रहा है. ऐसा नहीं है कि पिछले हफ्ते मुझे 3 दिन नींद नहीं आई या 2 दिन नींद नहीं आई तो मेरे को स्लीप डिसऑर्डर हो गया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट कैन बी बिकॉज ऑफ, जैसे कई बार जो आपका गणपति का और ये सब होता है बहुत शोर होता है, मुझे 2-3 दिन में नींद नहीं आती, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे स्लीप डिसऑर्डर हो गया, बिकॉज शोर की वजह से मुझे नींद नहीं आती. एंड आई डोंट, एज अ पर्सन आई डोंट बिलीव इन स्लीपिंग इन द डे टाइम, तो फिर नेचुरली मेरी नींद की रेस्टफुल स्लीप जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और मैं दिन में नहीं सोती हूँ तो इसकी वजह से वो कवर अप भी नहीं होने के चांसेस होते. तो 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता अगर ऐसा हो रहा है तो दैट डजंट मीन एनीथिंग, बट परसिस्टेंटली कुछ दिन, 6 महीने 3 महीने 8 महीने ऐसे कुछ चला चल रहा है, दैट मीन्स दैट दिस इज अ प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम की वजह से किसी की लाइफ में इमोशनल स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, जजमेंट या डिसीजन रिलेटेड इश्यूज ये हो रहे हैं, तो देन वी आर सर्टेनली टॉकिंग अबाउट सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्लीप डिसऑर्डर्स. यू कैन कम अहेड, यू मस्ट बेटर कम अहेड, इट्स ओके. रिसर्च कहती है लैंग वेंचर्स बहुत आगे जाते हैं, बट इट्स ओके. कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कि नींद की बीमारी या स्लीप डिसऑर्डर्स में मेन क्राइटेरिया प्ले करते हैं, जैसे कि मेडिकल कंडीशन. अगर आपको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या यू हैव सम सॉर्ट ऑफ हार्ट डिजीज या यू हैव सम क्रॉनिक पेन इन योर लेग, पैर में बहुत दर्द है या आपको किसी वजह से अनइजीनेस है बॉडी में, देन यू कैन बी having this problem of sleep, कि आपको कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर एज के बाद लेडीज में यूट्रस जो है वो बहुत आई वुड से वीक हो जाता है, इवन उनकी जो बॉडी की कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे अफेक्ट होने लगती है, तो रात में उन्हें कई बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है. या सो इसकी वजह से भी हमारी नींद अफेक्ट हो सकती है, एंड डे बाई डे कई सारी ऐसी मेडिकल कंडीशन हैं जो कि जिनकी वजह से हमारी नींद अफेक्ट होती है, एंड वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट कि ये कंडीशन है और इसकी वजह से हमारी नींद अफेक्ट होती है. सो सडनली अगर उसकी वजह से कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो दैट सडनली नीड्स टू बी टेकन. रिसर्च ऐसा कहती है कि
डिसऑर्डर से सफर करने वाले हार्डली 15% लोग भी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं. हार्डली 15% मतलब नॉट इवन 15% पीपल इन इंडिया जो कि स्लीप इश्यूज से परेशान हैं वो इसको सीरियसली लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट या इसके इलाज की तरफ ध्यान देते हैं. साइकियाट्रिक बहुत सारी कंडीशन है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जगह चेंज हो गई आपकी, ट्रांसफर हो गया, आप इधर से उधर चले गए, घर चेंज हो गया, पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमा का जो डिसऑर्डर होता है हमारा, जैसे किसी के साथ कोई हादसा हो गया या घर में किसी की डेथ हो गई या आपने कुछ ऐसा देख लिया जो आपके मस्तिष्क पे बहुत प्रभाव डाल गया, सो दैट इज अ स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसकी वजह से भी नींद अफेक्ट हो सकती है. शिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स में आती है, इसकी वजह से भी बाइपोलर ये भी एक बीमारी है जिसकी वजह से नींद अफेक्ट हो सकती है. काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि हमारी नींद को अफेक्ट करते हैं, जैसे ट्रैवलिंग मैंने शुरू में कहा था, कई लोग जो एक देश से दूसरे देश अक्सर ट्रैवल करते हैं और वो उनका रूटीन है ट्रैवल करना, उनकी नींद का साइकिल. बीपीओ या कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लोग जो कि रात में काम करते हैं और दिन में सोने की कोशिश करते हैं या दे ट्राई टू कैच अप, यू नो, ट्रैवल सिकनेस, वर्कलोड जिन्हें बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, तनाव एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से हमारी नींद अफेक्ट हो जाती है. सो कई सारे फैक्टर्स हैं. आप अगर किसी जगह पर सेफ नहीं फील कर रहे, बहुत साल पहले मुझे याद है मैं उड़ीसा गई थी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एंड सोने से पहले ही वो जो गेस्ट हाउस का चौकीदार था उसने मुझे कुछ कहानी सुना दी, फिर तो नींद कहाँ. तो अगर हम सेफ नहीं फील कर रहे हैं, ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है हमारे बिलीफ सिस्टम का, इफ आई एम नॉट फीलिंग सेफ आई विल नॉट बी एबल टू हैव अ रेस्टफुल स्लीप, ये फॉर श्योर है, नॉट इवन फॉर फीमेल्स, फॉर मेल्स ऑल्सो. नॉर्थ के ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, जगह हैं जहाँ पे आप अगर एक अंगूठी भी पहनी हुई है आपने तो उंगली कट जाने या हाथ कट जाने का डर कायम बना रहता है, पटना बिहार ये सारी जगह. तो मुझे मेरे जो ब्रदर हैं वो नॉर्थ में ही बिजनेस करते हैं, तो अक्सर जब वो वाली बेल्ट में ट्रैवल करते हैं तो 3-4 दिन पहले से अपने को प्रिपेयर करते हैं, भाई सोने वोने को नहीं मिलेगा, सामान के ऊपर सर रख के और बैठ के जाना, पता नहीं क्या चोरी हो जाएगा, एसी के डब्बे से भी क्या चोरी हो जाएगा क्रेडिट कार्ड से. एंड क्योंकि वो बिजनेस टूरिंग होती है तो फ्लाइट्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या वो फिजिबल भी नहीं होती. तो अगर आप एनवायरमेंटली सेफ और आपके जो बिलीफ है उस हिसाब से आप इजी नहीं फील कर रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप. मैं काफ़ी साल तक ट्रेन में नहीं सो पाती, मैंने कुछ रियलाइज़ किया पिछले 5-6 साल में मेरे को नींद आ जाती है जरूर, या तो आई बिकम यूज्ड टू इट या नाउ आई एम कंफर्टेबल विद इट. अर्लियर जब मैं हॉस्टल डेज में काफ़ी साल तक मैं ट्रेन में डरी रहती थी, रात में गाने सुनती रहती थी ना हल्की. सो दिस इज सर्टनली कि हमारे एनवायरमेंट में हम किस चीज़ को लेकर सेफ फील करते हैं, वी आर एट पीस. कई लोगों को ये मैंने सुना है उनको अपने ही बेड पे नींद आती है, अगर बेड चेंज हो गया तो नींद नहीं आती. हमारा बेड, मेरे खुद के पिताजी वो जल्दी कहीं सफर पे नहीं निकलते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें अपना बेड बना बेड उनका. तो हम लोग कभी कभी जोक करते हैं कि पापा आइए तो सही बॉम्बे, हम लोग आपका बेड भी मंगवा लेंगे. सो ये एक बिलीफ और एक हमारा कंफर्ट लेवल है जिसकी वजह से नींद हमारी अफेक्ट हो सकती है. इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स 2 के हिसाब से 6 तरह के मेन डिसऑर्डर्स हैं नींद के. इंसोम्निया, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बहुत कुछ सही भी जानते हैं बहुत कुछ गलत भी जानते हैं. मैं बहुत ही साफ तौर पर ये बात कहती हूँ कि हमारे यहाँ मेंटल इलनेसेस या कई सारी बीमारियों को लेकर सही जानकारी से ज़्यादा गलत जानकारी ज़्यादा प्रेवलेंट है और उसका काफ़ी सारा श्रेय जो है हमारे मीडिया को जाता है, क्योंकि जितने भी लोग स्लीप डिसऑर्डर हैं वो आदमी में चले गए, वो पागल हैं, वो वायलेंट हैं, वो किसी की जान ले लेंगे, वो अग्रेसिव हैं, यू नो, दिस इज द क्रेडिट विच गोज टू महेश भट्ट मूवीज. आई विश कि वो मैं वीडियो देखें और बनाने बंद करें. आई रियली वॉन्ट, यू नो, मैं कई बार मेरा मन करता है कि मैं जाके माइक पे चिल्ला चिल्ला के बोलूँ कि मेंटल इलनेसेस को प्लीज़ ऑलरेडी बहुत मिथ्स हैं, आप लोग बंद करो ये मूवी बनाना,
आपको नॉलेज नहीं है, इट्स ओके, या आपको नॉलेज होते हुए भी, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, ऐसा नहीं कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है. आई रिस्पेक्ट महेश बट अ लॉट, यू नो काफी सारे दूसरे एरियाज में बहुत इंटेलिजेंट है वो, लेकिन शिजोफ्रेनिया की ऐसी पिक्चर उन्होंने खराब करी है मूवीज बना बना कर कि बिलीव मी, एक पर्सन जो शिजोफ्रेनिया से सफर कर रहा है वो हमेशा वायलेंट नहीं होता, वो हमेशा अग्रेसिव नहीं होता है. आपके बगल में बैठा होगा आपको पता नहीं लगेगा कि ये पर्सन शिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, लेकिन उन्होंने ऐसी पिक्चर स्प्लिट पर्सनैलिटी को लेकर, मैं हर बार बोलती हूँ अपने वीडियोज पे कि प्लीज मत बना, स्प्लिट पर्सनैलिटी के बहुत ही कम केसेस पूरे वर्ल्ड में आए, वेरी लेस केसेस, और उनकी हर पिक्चर में स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है. सो लोग उसकी वजह से आसपास में जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है ना तो एक दूसरे के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, बातों में एक दूसरे को हर्ट करते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करके. वेयर आई फील मीडिया प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल दैट वी कैन इरेज. ये भी एक बीमारी ही है, ये हो सकता है कि इस बीमारी में ठीक होना थोड़ा समय लगता है, लेकिन दिस जस्ट अ डिजीज एंड इट इज क्योरेबल, इट इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग डिजीज, इट इज अ क्योरेबल डिजीज. एंड वेरियस सच डिजीज अगर आप उनका इलाज कराएं और सही तरीके से उन्हें ट्रीट करें तो वो ठीक हो सकते हैं. सो दैट्स अनदर इज स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, नींद से रिलेटेड हमारी सांस जो चलती है नींद में उससे रिलेटेड एपनिया बोलते हैं उसे, अलग अलग प्रकार के एपनिया हैं, यानी हमारी नाक भी अगर यहाँ पे हड्डी होती है नाक की वो बड़ी होती है तो भी हमें इशू हो सकता है. हम रात में खर्राटे लेते हैं जो कि जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्नोरर्स, पीएस, वो भी एक प्रकार का एक डिजीज है. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं आपकी खुशी के लिए एक चीज़ बताऊँ, इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है इस, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैंने इसको दो में डिवाइड किया है. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप में से जो लोगों को बाकी डिजीज के बारे में और डिटेल में जानना है वो लोग सडनली सेकेंड बार में भी आए या वीडियो देखें यूट्यूब पे जो है. तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ये जो इंसोमिया छोड़ के जो बाकी डिजीज है उनके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगी. आज हम लोग सिर्फ इंसोमिया के बारे में थोड़ी बातें करेंगे क्योंकि इंसोमिया अपने आप में बहुत चर्चित विषय है. हर इंसान एक दिन भी उसको नींद नहीं आती मुझे इंसोमिया होता है, मुझे लगता है एक दूसरा शब्द और बहुत चर्चित है माइग्रेन. मेरे हर सेकंड पेशेंट को माइग्रेन होता है गर्मियों के दिन में, टिपिकली ड्यूरिंग समर्स आई हैव एवरी सेकंड थर्ड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन. हीट, हीट की वजह से हेडेक या खाना ठीक से नहीं या आपने कुछ यू नो ठीक से पानी नहीं पिया है, कई चीज़ें कारण है. पर क्योंकि प्रोलॉन्ग हेडेक है, हैमरिंग हो रही है हो रही है हो रही है, तो लोग उसको मैं माइग्रेन से समझ, मुझे माइग्रेन हो गया, मैं बहुत साल से माइग्रेन का पेशेंट. एंड वही पेशेंट कुछ महीनों की कुछ दिनों की ट्रीटमेंट लेने के बाद बोलते नहीं कि माइग्रेन तो नहीं था मुझे कभी भी. आपने जो माइग्रेन के बारे में बताया है वो नहीं, माइग्रेन नहीं है, ये नहीं है मुझे, कोई दूसरी बीमारी है मैडम. तो ये कुछ कॉमन इंसोमिया माइग्रेन इनको लेके लोग फ्रीली यूज करते हैं कि हमें इंसोमिया हो गया है या माइग्रेन हो गया. हाइपोसोमिया यानी बहुत ज़्यादा नींद आती है, इंसोमिया कम नींद आती है, हाइपोसोमिया बहुत ज़्यादा नींद आती है. सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर जो मैंने आपको बताया, जेट लैग या हमारे वर्क एरिया से जो चेंज आ जाते हैं शिफ्ट आ जाते हैं वर्क शिफ्ट उसकी वजह से होते हैं. पैरासोमिया में फिर स्लीप रिलेटेड मूवमेंट डिसऑर्डर, यानी कई लोग जो हैं लिम्बिक मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, यानी उनका हाथ पैर नींद में चलता रहता है जिसकी वजह से जितना मसल रिलैक्सेशन उन्हें होना चाहिए उन्हें नहीं मिलता बिकॉज उनका ब्रेन स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी में रहता है और वो किसी न किसी प्रकार से अनईजी फील करते हैं अगर वो नहीं हिलाते हैं हाथ पैर या हाथ हिलाएंगे या पैर हिलाएंगे. आई नो लॉट्स ऑफ केसेस इवन मेरे अपने खुद की फैमिली में भी कई लोग हैं जिनके बाजू में कोई सोना पसंद नहीं करता, बहुत पैर मारता है. मेरा बेटा है 6 साल का, वो उतने पैर मारता है, हम लोग माए तो कहाँ जाए. हाँ ये मिथ है कि बच्चों में होता है क्योंकि बच्चों को हर चीज माफ होती है. लॉट्स ऑफ अडल्ट्स, इनफैक्ट हम लोग अक्सर अपनी फैमिली में ही होते हैं इनको भी. अगर आप ध्यान से उनके स्लीपिंग पैटर्न्स को देखिए तो यू नो हस्बैंड वाइफ में लोग ऐसी बातें शेयर नहीं करते. मेरी एक क्लाइंट है जो बोलती हैं कि मैं सोती लेफ्ट साइड हूँ पर मॉर्निंग में उठती राइट साइड हूँ. क्योंकि क्या होता है कि क्या होता है कि उनके हस्बैंड इतना शिफ्ट होते हैं रात में कि वो शिफ्ट होकर अपनी चीज उनकी जगह पर
ज्यादा होते हैं झगड़ा वगैरह आदमी नहीं करती है, उतरती है दूसरी तरफ से, उठ के दूसरी तरफ से हो जाती है, तो उनकी पूरी पोजिशन ही चेंज होता है, इतना ज्यादा लिम्बिक मूवमेंट होता है। तो ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है, अगर इसकी वजह से हमारे डे रूटीन में या दूसरी बातों में तकलीफ हो रही है, सो ही नहीं पा रहे, देन रेस्टफुल नहीं फील हो रहा है, all different types of we have and I think I will be talking in detail about them in my next session. मैं इनका पूरा ऑपरेशन करने वाली हूँ next session में. तो today we are going to talk about insomnia. The most favorite of words being used for नींद की बीमारी. मुझे insomnia हो गया. हाँ. मेरे एक इस मेरे client ने share किया कि मेरी girlfriend जब से मेरी life में आई है मुझे insomnia हो गया. आई है. अच्छा. नहीं. क्योंकि वो जब आए थे ब्रेकअप का सीन चल रहा था, तो सारा ब्लेम गर्लफ्रेंड में ही है ना, नेचुरली जब से वो मेरी लाइफ में आई है या वो मेरी लाइफ में नहीं आ रही है इसलिए मुझे इंसोम्निया हो रहा है। हाँ, फेसबुक की वजह से लोगों को इंसोम्निया हो रहा है आजकल, तो सर्टेनली बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम अपनी नींद को कई बार नेगोशिएट कर लेते हैं एंड ये चीज़ें हमें धीरे धीरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी एडोलेसेंट को ये समझाएं कि बेटा 9-10 घंटे की नींद तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो वो नहीं अग्री करेंगे, नहीं नहीं सोएंगे, इतना सोएंगे तो क्या खेलेंगे कब, मस्ती कब करेंगे, कंप्यूटर पे कब बैठेंगे, नहीं अग्री करेंगे। बट एज यू ग्रो ओल्ड एंड यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग योर बॉडी साइकिल, तो कितने घंटे की नींद आपको रेस्टफुल लगती है आपका दिल आपका शरीर जानता है। अब उसके अगेंस्ट अगर आपने कोई प्लानिंग की है, यानी कि आपको पता है कि 11 बजे आपकी बॉडी क्लॉक है सोने की और आप हफ्ते में 3 दिन पार्टी पे जा रहे हैं या शादी का सीजन है और सारी शादियों में आप ही को जाना है और आप रोज 12 बजे 1 बजे घर आ रहे हैं, तो जब आप अपने बॉडी क्लॉक को जानते हैं तो फिर आप ये अत्याचार क्यों करते हैं। आई नो लॉट्स ऑफ पीपल जो कि इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, गए पार्टी में 11 बजे नहीं ठीक है फाइन 11:30-12 बजे में आ जाएंगे वापस आ गए, आपकी जो साइकिल है वो थोड़ी डिस्टर्ब होगी क्योंकि उसमें कैचअप है, बट इतनी डिस्टर्ब तो नहीं होगी पूरे दिन, नेक्स्ट डे आपका ऑफिस डिस्टर्ब हो जाए, आपकी लोगों में डीलिंग्स डिस्टर्ब हो जाए, नॉर्मली कभी झगड़े नहीं होते बीवी के साथ झगड़े होने लगे, बच्चों को आप डांट रहे हैं एंड फिर हम बोल रहे हैं बहुत स्ट्रेस में, तो सर्टेनली बॉम्बे की लाइफ एंड वैसे भी लाइफ इज बिकम वेरी हेक्टिक एंड स्ट्रेसफुल, लेकिन उसका सारा दारोमदार हमारे अपने डिसीजंस पे होता है एंड हम अपनी बॉडी को कितने अच्छे से समझते हैं। अगर हमारी बॉडी को इतने घंटे की नींद चाहिए तो चाहिए, एक एज एक वर्क शेड्यूल के हिसाब से वो चाहिए एंड वी नीड टू कम एट पीस, हमें ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना ज़्यादा अच्छा है रादर देन इस बात को हम बार बार चैलेंज करते रहें कि नहीं इस बार ट्राई करके देखते हैं देखें क्या होता है। पिछले 3 बार में जो वही हुआ है कि आप परेशान हो रहे हैं, तो 4th time में क्या नया होने वाला है। I know various such people जिनको खाने में मैदा नहीं सूट करता है लेकिन वो हर बार उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, या उन्हें बहुत चिल्ड पानी बाहर का नहीं सूट करता है। सो वेन यू नो योर बॉडी वाई आर यू चैलेंजिंग बॉडी क्लॉक बॉडी साइकिल लॉट्स ऑफ थिंग्स, रात में आप क्या खाना चाहिए आपको इसका एक प्रॉपर एक लिस्ट है, क्या सामान हम लोग इनफैक्ट सेशन के पहले में ओम जी के साथ बात करी थी कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एज ओल्ड हमारे सिस्टम में बताई गई हैं, यानी कि आयुर्वेद ने उनके बारे में बताया है, इंडिया इज वॉट अ वेरी गिफ्टेड हेरिटेज ऑफ आयुर्वेद, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में जानते हैं यानी हमें किसी ने दादी ने या पुराने लोगों ने बताया उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब डॉक्टर कहता है कि भाई रात में कुछ भी आप लिक्विड विक्विड ज़्यादा पी के मत सोना या चीनी वाली चीज़ चॉकलेट मत खाना नींद गायब हो जाएगी, कॉफ़ी या चाय ऐसी चीज़ें मत पीना, तो हम सुनते हैं पर उससे पहले हम घर के लोग जो कह रहे हैं वो नहीं सुनते बिकॉज ये एज ओल्ड है, पता नहीं वो सच है कि गलत है, यू नो लेट मी ट्राई, आज भी हम ट्रायल मोड में अक्सर चीज़ें करते रहते हैं अपने साथ। सो लेट अस सी सिम्टम्स क्या है, कुछ घंटे तो मैंने आपके साथ साइकिल शेयर करी है, 1.5 घंटे की 5 साइकिल या 4 साइकिल होती है पूरी रात में, वो इनिशियल के कुछ घंटे उसमें से डीप स्लीप होती है और उसके बाद इंसान उठ जाता है और फिर उसे नींद जल्दी नहीं आती, ये सिम्टम एक हो सकता है इंसोम्निया का।
टॉसिंग टर्निंग परेशान हो रहे हैं, यस, फिर चिंता कर रहे हैं, जो नींद नहीं आ रही है उसी के बारे में लेट के चिंता कर रहे हैं। मेरी एक क्लाइंट है जो कि दोनों तीन दिन तक खाली लेट के चिंता करती रहती है। सो मैंने पहला असाइनमेंट उन्हें दिया है कि अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज आप चिंता करना छोड़ के थोड़ी देर किताब लेके टेबल पे या आपको साइड में लिए बैठ के अपना पिलो लगा के पढ़ लो। चिंता मत करिए क्योंकि चिंता से तो नींद नहीं आने वाली, ये तो श्योर है। और चिंता आप बहुत सालों से कर रही है, वैसे भी नींद नहीं आती चिंता से। एंग्जाइटी कैन नेवर गिव यू स्लीप, इट कैन टेक अवे मोर ऑफ इट। सो वो इस बात को लेकर चिंता करती है कि मुझे कई सालों से नींद क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने उन्हें बस यही बोला कि वो चिंता आप मेरे ऊपर छोड़िए, कृपया मैं उस पर चिंता करूंगी। आप प्लीज़ जो अगर आपको पसंद है, उनको पढ़ने का बहुत शौक है थैंकफुली, तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया है। एंड अभी जब भी मेरे सेशन में आती तो मेरे साथ शेयर करती कि उन्होंने रात में क्या पढ़ा। अब धीरे धीरे उनके टॉपिक्स कम हो रहे हैं और उनकी नींद बढ़ गई। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी। सो वापस से नींद आने में बहुत परेशानी, और सुबह जब उठे यानी बेड से उठ गए तो टायर्डनेस की फील, फटीग, थकान। रात भर बेड पे ही थे, कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत थकान, रेस्टलेस नहीं, रेस्टलेस ही फील कर रहे हैं। कोई जगह जहाँ पे हमें डिसीजन लेना है या जजमेंट करना है वहाँ हमें बहुत सोचना पड़ रहा है, या हम बहुत हिचक रहे वो डिसीजन लेने में। ऑल्दो वो हमारा ही एक्सपर्टीज एरिया है, और जैसे हम पहले उसमें डिसीजन लेते थे तो एक फियर अंदर अंदर, एक एंग्जाइटी अंदर अंदर कि पता नहीं हमारा डिसीजन सही है कि नहीं। इरिटेट हो जाना छोटी छोटी बातों में, ये एक बहुत ही कॉमन सिम्पटम है इसका। कॉजेस क्या हो सकते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए पहले, स्ट्रेस, हमारा एनवायरमेंट, एक्सेसिव नैपिंग। दिन में आप 2-3 घंटे सो गए हैं तो रात में आपको नेचुरली 7-8 घंटे से 2-3 घंटे माइनस करिए, वो हम नहीं करते हैं। रात में नींद नहीं आई वो प्रॉब्लम, यस। अल्कोहल इनटेक, जैसे निकोटीन है, अल्कोहल है, कैफीन, ये तीनों ही क्या है, स्टिमुलेंट्स है। ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जब जाते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं, तो ये हमें स्टिमुलेट करते हैं। तो नेचुरली रात में हमें स्टिमुलेट करने वाली सिर्फ एक ही एक्टिविटी करनी चाहिए, वो हम जानते हैं क्या करनी चाहिए, हेल्दी सेक्स, जो कि हमारे लिए सबके लिए, जो लोग शादीशुदा हैं वैसे भी, दैट्स एन एक्टिविटी विच इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टिमुलेटिंग योर सेल्फ एंड फीलिंग रेस्ट। लेकिन अदर देन दैट, अगर हम कैफीन ले रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, चांसेस आ कि हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, यस। न्यूरल एक्टिविटी यानी हमारी नर्व्स में एक्सेसिव कोई एक्टिविटी चल रही है, लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग। कल सुबह मेरा एग्जाम है तो उसके वजह से बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या क्वेश्चन आएगा, पिछले साल ये आया था, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, दिमाग में भी सम्स चल रहे हैं, अगर मैथ्स का एग्जाम है तो दिमाग में भी प्रॉब्लम्स हो समझ आ रहे हैं। सो दैट न्यूरल एक्टिविटी इज योर थिंकिंग एक्टिविटी विच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसकी वजह से हमें नींद नहीं आ पाती। क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, PTSD, शिज़ोफ्रेनिया, काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो अगर आपको हैं तो नींद से उनका अफेक्ट हो सकता है। 10% पॉपुलेशन जो है इंसोमिया से पीड़ित है, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस जैसी कंट्रीज में ये डेटा जो है 40% का है। तो जैसा मैंने शुरुआत में शेयर किया कि इंडिया में हमारे पास रिसर्च डेटा बहुत कम है, सो मेरा सर्टनली ऐसा मानना है कि ये 10% तो नहीं होगा, और ज़्यादा होगा अगर अभी एक बड़े स्केल पे ये रिसर्च की जाए। मुंबई में कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो कि स्लीप डिसऑर्डर्स पे ही काम करती हैं, मुंबई में उनके 10 ऑफिस हैं। स्लीप अपीना, ये अभी रिसेंटली खुले हैं इनके ब्रांचेस, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन दे आर डूइंग गुड वर्क। कई बार हमें स्लीप डिसऑर्डर्स में मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, एंड सर्टनली अगर कोई और बीमारी है जिसकी वजह से हमारी नींद अफेक्टेड है तो वहाँ मेडिकेशन लेना अनिवार्य हो जाता है। तो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड मैं ज़्यादातर ड्रग्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ, बट जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत है। जहाँ पे सीवियर इशूज़ हैं, सीवियर केमिकल इम्बैलेंसेज हैं हमारे ब्रेन में, देयर वी नीड मेडिसिन। टू इवन टेक अ हिट थेरेपी
sometimes we need medicines. So there are so many of my cases जहाँ मैं psychiatrist के साथ मिलके काम करती हूँ, because वहाँ हमें medicine की ज़रूरत है, शायद heredity तौर पे या severe problem होने की वजह से जो बीमारी है वो long term है और हमें वहाँ medicines की ज़रूरत है। उसी तरह से sleep disorders में भी ब्रीदिंग या स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स से डेथ होने के चांसेस होते हैं जी। इंसोमिया अगर आपने बहुत सालों तक ट्रीट नहीं किया है, आगे जाके डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। इफ यू हैव नॉट ट्रीटेड इंसोमिया फॉर अ लॉन्ग टाइम देन डिप्रेशन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बहुत से अलग फॉर्म्स भी हैं इंसोमिया के, जल्दी उठ जाना अर्ली मॉर्निंग, जस्ट आपको सिम्टोमैटिक बिहेवियर में दिख जाएंगे, सोने में बहुत तकलीफ होना, सब लोग सो गए घर में अपन जग रहे हैं 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक, रिफ्रेश नहीं फील कर रहे, बेड से उठे हैं मॉर्निंग का समय है या 8 बजे भी उठे, नॉर्मल घंटे की नींद हमें लगा हमने ली है, बट वी आर नॉट फीलिंग फ्रेश, वी आर नॉट फीलिंग एट ईज, यस अनइजीनेस है। शॉर्ट टर्म भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि हम बहुत लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेशन में आके कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं किसी बात को लेके, बिकॉज हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है या नींद अफेक्टेड है इसी तरह से, एंड वो ज़्यादा पेशेंस हमारा कम हो जाता है, हमारा बिहेवियर एक दूसरे के साथ लेस टॉलरेंट हो जाता है। हमें अक्सर ये आजकल ये देखने में आ रहा है कि हमारी आज की पॉपुलेशन या इवन जो हमारे करंट जनरेशन है उनका पेशेंस एज वेल एज टॉलरेंस लेवल बहुत नीचे जा रहा है, बार बार पे गुस्सा आता है लोगों को, शॉर्ट टर्म टेंपर हो गया है, बहुत इरिटेबल मूड में रहते हैं, दे वेरी एंग्री, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, दे गेट वायलेंट वेरी फास्ट, इवन एक टेम्पो वाले को जिसके हिसाब से जो कि नेचुरली सवारी टेम्पो वाले के हिसाब से नहीं जाने वाली है, लेकिन उसको भी गुस्सा आते देखा नहीं कहीं कि वो उतार देंगे आप उतरो, आप बहुत किच किच कर रहे हो, तो समर्स यानी हीट यानी एनवायरनमेंट हमारा उसमें एक मेजर पार्ट प्ले करता है। ये हमारी इंसोमिया साइकिल है, कैसे होता है, हमारी कुछ मैल अडैप्टिव हैबिट्स हैं, यानी हम ठीक से सो नहीं रहे हैं, कैसे, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अगर हमारी प्रॉपर बॉडी क्लॉक है 11 बजे सोने की या 12 बजे सोने की, वी शुड नॉट कीप ऑन चैलेंजिंग इट, रोज उसको बदलने की जो कोशिश है या रोज उसको चैलेंज करना और चेंज करना इज इन इटसेल्फ कॉजिंग अ कॉन्फ्लिक्ट टू योर बॉडी। फूड हैबिट्स, अगर आपको 8:30-9 बजे खाना खाने की आदत है तो कोशिश करके स्टिक टू इट, इन मेनी वेज दीज डिसिप्लिन्स आर वेरी गुड फॉर योर बॉडी साइकिल एंड योर बॉडी क्लॉक। नेसेसरी टू स्लीप एट द सेम टाइम, नेसेसरी टू स्लीप एट द सेम टाइम, हां मैंने एंड में एक चार्ट शेयर किया है, छोटी छोटी टिप्स हैं उसमें कि हमें स्लीप डिसऑर्डर अगर हमें लग रहा है कि हमें किसी भी प्रकार की नींद में परेशानी है तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। इरेगुलर स्लीप शेड्यूल हो रहा है हमारा, डे टाइम नैपिंग कर रहे हैं, नींद ना आने वाली एक्टिविटी कर रहे हैं सोने से पहले, जोर जोर से गाने सुन रहे हैं। मैं आपके साथ अपना एक केस शेयर करती हूँ, मेरा एक केस है 23 ईयर्स ओल्ड बॉय का जो कि नार्कोटिक्स से सफर करता है, इज इनटू ड्रग एडिक्शन। मैं करीब उसके साथ अभी 2 महीने से काम कर रही हूँ एंड हम लोग काफ़ी हद तक कोशिश करके उसके स्लीप साइकिल को अब हम थोड़ा बहुत, लेकिन इनिशियली मुझे 2 महीने तक समझ में नहीं आया कि वो 11 बजे बेड पे सो जाता है पर 2 बजे तक जगता है। तो उसने मेरे साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर की थी, वो मैंने कहीं अपनी डायरी में लिखी थी कि वो वॉकमैन सुनता है रात में सोते वक्त, मैं उससे ये पूछना भूल गई कि वो सुनता क्या, तो पता लगा कि वो बहुत ही हार्ड रॉक टाइप के गाने सुनता है, बहुत ही बिल्कुल जैरिंग काइंड ऑफ म्यूजिक कहते हैं ना जिसे, जैसे कई बार मेटल यू नो जैज उस तरह का म्यूजिक सुनता है। तो नेचुरली हमारी न्यूरल एक्टिविटी क्या होती है, अगर हमारे बाजू से भी कोई गाड़ी में बहुत तेज म्यूजिक बजा के निकल जाए तो क्या होता है, एकदम से हम यू नो लाइक घूम जाता है, क्या हो गया, यू नो दैट वे यू टर्न अराउंड कौन गया। तो अगर कोई इंसान 2 घंटे 1.5 घंटे यही सुन रहा है तो दिमाग या सोने के जो सेंसेस हमारे, जो नींद हमारा माइंड है वो सर्टनली विल बी अफेक्टेड। सो थैंकफुली जब मैंने 2 महीने में 1.5 महीने में रियलाइज़ किया कि वो सुनता क्या है तो आई हैव चेंज्ड, मैंने थोड़ा बहुत उसका शफल किया म्यूजिक एल्बम, तो अब भाई रात में ये सुन लिया करो और दिन में ये सुन लिया करो, तो
तो जब से ये हुआ है तो थैंकफुली उसने उसके स्लीपिंग चार्ट में थोड़े चेंजेस आए हैं एंड आई एम सो थैंकफुल कि मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी प्रेफरेंसेस एनवायरमेंटली हमारी नींद को कितना अफेक्ट करती है. किस तरह का म्यूजिक, किस तरह की एक्टिविटी सोने से पहले आप अपने लिए खुद चूज करिए. व्हाट मेक्स यू फील पीसफुल? सर्टनली कोई बहुत नॉइजी और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एक्टिविटी तो किसी को नींद नहीं दिला सकती. या वो टीवी सीरियल सास बहू वाले, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई है, मारा मारी हुई है, झगड़ा हुआ है, तो नेचुरली अब अगर आप WWF देख के सो रहे हैं तो दिमाग में क्या पिक्चर चल रही है? हाँ, और नींद में हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि माइंड हैज अ कैमरा, ऑल ऑफ अस नो दैट, इट क्लिक्स पिक्चर्स, अंदर अंदर वो पिक्चर्स रहती हैं और वो पॉप अप होती हैं. तो स्लीप में भी हम किस तरह के पिक्चर्स, कई बार मेरा बच्चा टॉम एंड जेरी के डायलॉग बोलता है नींद में. थैंकफुली मुझे पता है कि क्यों बोलता है, क्योंकि वो टॉम एंड जेरी बहुत देखता है. अभी बीच में मैंने ऐसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ कि मैंने उसको बेन 10 दिखाना शुरू किया एक वीक के लिए. वो एक वीक में उसने ऐसी मारा मारी वाली नींद के सपने देखे कि मैंने तुरंत अपना चैनल ही बंद करवा दिया वो बेन 10 का. सो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि हां ही डिडंट लाइक इट, उसको भी नहीं पसंद आया. वो रात में वो नींद में पैर हाथ चला रहा है. पहले तो खाली कॉपी करता था टॉम एंड जेरी के एक्शन, खाली हंसता था, मस्ती करता था. मैंने सोचा चलो ये थोड़े दिन बड़ा हो रहा है, 6 ईयर्स हो रहा, तो मैंने चलो उसको थोड़ा बेंटन दिखा दे, माई ओन एक्सपेरिमेंटल मोड. तो मैंने उसको दिखाना शुरू कर दिया कि हाँ थोड़ा देर देखो. वो नींद में बेंटन मोड, शूट, आई विल शूट यू, आई विल किल यू, ये सारे वर्ड्स आ गए उनकी डिक्शनरी में. एज इन सर्टेनली इट्स गॉट अ लॉट ऑफ नॉट टू डू विद व्हाट यू आर एक्सपोज्ड टू. अराउजल जिसे हम कहते हैं इमोशनल कॉग्निटिव फिजियोलॉजिकल अराउजल, किस प्रकार का अराउजल होता है. किसी भी लाइफ में अगर कोई इमोशनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं सर्टेनली उसकी नींद अफेक्ट होने वाली है. किसी की लाइफ में अगर कोई बॉडीली या फिजियोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं तो उसकी नींद अफेक्ट होने वाली है. एवरी डे द वे यू आर गोइंग थ्रू लाइफ साइकिल, पूरा आपका जो बॉडी, अगर कहीं पर भी इम्बैलेंस है सोच में, शरीर की हालत में, या हमारे इमोशनल लेवल में, थिंकिंग में भी, तो हमारी नींद अफेक्ट होने के चांसेस हैं. डिसफंक्शनल कॉग्निशन हो सकते हैं हमारे, रात में चिंता करना कई बातों के बारे में. ऑल्दो रात में आप इन बातों के बारे में कोई एक्शन नहीं करने जा रहे, फिर भी हमारी आदत क्या हो रही है, मनन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, यू थिंकिंग, लेट अस थिंक. वो थिंकिंग टाइम हमने रात का चूज किया है उन बातों के बारे में जिनके बारे में हम शायद उस समय कुछ करने वाले नहीं हैं, मॉर्निंग में करेंगे. But we think about it in the night time before sleeping. Ruminating, कुछ हो गया है हमारे साथ, उसके ऊपर हम बार-बार सोच रहे हैं. हाँ, कई बार रात में तो बहुत सोच रहे थे, सुबह उठते हैं एक्शन भी भूल गए और सोच भी भूल गए. और तब हम कई बार क्या रीजन देते हैं, हम इतना थक गए ना रात में सोच कर कि सुबह उसमें कुछ करना ही भूल गए और फिर रात तक फिर वापस उस पर सोचने लगे. That is the most interesting part. Unrealistic expectations from life, from people, लोगों से, अपने environment से, अपनी job से, अपने relationship से, ये भी हमें sleep disorder की तरफ ले जा सकती है. Naturally इसकी consequences, mood disturb रहेगा और थके रहेंगे, fatigue issues रहेंगे हमें. हम जो भी काम कर रहे हैं वो affect होगा, performance impairment, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम teaching में हैं, office में हैं, job में हैं, इस वही पर affect है. आपस में लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, सब इफेक्टेड रहेगा. दिस इज द इंसोमिया साइकिल जो हमारे साथ होता है. ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर इंसोमिया, अभी तक की रिसर्च कहती है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, इन्होंने अमेजिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं. एंड मैं ज़्यादातर इस थेरेपी को बहुत प्रमोट करती हूँ बिकॉज मैं खुद भी एक CBT प्रैक्टिशनर हूँ एंड मैंने ये अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं लोगों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाकी सारे बहुत सारे मेंटल इलनेसेस को आइदर कोपिंग या क्योरिंग, दोनों की तरफ लीड करते हैं. सो इसी तरह से इंसोम्निया में भी CBT जो है हमारे पूरे बिहेवियर को एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू मोड देती है एंड इट मेक्स अस मोर अवेयर.
कि हमारे खुद के फॉल्टी बिलीव्स और थॉट्स क्या हैं जो कि हमें सोने नहीं दे रहे हैं या हमारी बॉडी को एक डिजीज की तरफ पुश कर रहे हैं. सो मेनी थिंग्स आर देयर अराउंड अस व्हिच आर नॉट इन आवर हैंड्स एंड वी नीड टू बी अवेयर ऑफ देम. दवाई भी है एज अ ट्रीटमेंट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइट थेरेपी. ये भी एक प्रकार की थेरेपी है. आई एम सॉरी हमारा चार्जिंग चला गया है क्योंकि ये लास्ट स्लाइड था. एक इसके बाद का एक और स्लाइड है जिसमें आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमें नींद लेनी है उससे पहले कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और कुछ चीज़ें हमें रोज करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जब आप जहाँ सोते हैं और ऑफकोर्स आई नो बॉम्बे में जगह की और अकोमोडेशन की बहुत चैलेंजेस हैं, फिर भी जो आपकी नींद की जगह है अगर आप उसे वर्क प्लेस ना बनाए तो एसोसिएट दैट प्लेस विद स्लीप रूम. जहाँ आप सोते हैं वहाँ बैठ के पढ़ाई करना या वहाँ बैठ के अपना बही खाता का काम करना या काम करना, टीवी देखना बैठ के वहाँ पे, इज एसोसिएटिंग इट विद सम अदर वर्क एक्टिविटी और नींद इज दैट्स अ स्लीप एक्टिविटी. तो इफ वी कैन हैव, अगर हमारे पास ये एक फैसिलिटी है कि हम एक जगह है जिसको बेडरूम बुलाते हैं तो बेडरूम को हम वर्क रूम में ना कन्वर्ट करें, टीवी को टीवी रूम में देखा जाए अगर पॉसिबल है या एक टाइमिंग तक ही देखा जाए. अभी तो हर रूम में टीवी है इसीलिए हर फैमिली में ये इशू है कि हमें नींद की तकलीफ आ रही है या बहुत सारी परेशानियां हो रही है. कहाँ पे देखो? हाँ मेरा एक फ्रेंड है जिन्होंने ऊपर लगवा लिया. अक्सर टीवी चलता रहता है और वो सो जाते हैं. सो एक दिन टीवी नहीं चल रहा था तो वो पूरी रात सो नहीं पाए. मैंने बोला वैसे भी तुम टीवी देखते देखते सो जाते हो. बोले नहीं लेकिन नहीं था ना तो नींद नहीं आई. टेबल का कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो इस एंजाइटी में नींद नहीं आएगी टीवी नहीं. राइट. सो अनदर इज कैफीन यानी चाय कॉफी इस तरह के पदार्थ रात में ना लेना. रात में सोने से 2-3 घंटे पहले बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक नहीं करना. बेस्ट है अगर हम 7 बजे या 7:30 बजे तक में खाना खा लें तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म जो साइकिल है वो बाय दैट टाइम भी हम बेड पे सोते हैं. कई लोग जो मेडिसिन ले रहे हैं वो भी दवाएं अपनी अगर 8-8:30 बजे एक टाइम पे ही खाएं.